खानों ने लाल किले पे झंडा फहराया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत हुआ है, ये तो इन माई ओपिनियन द दिल्ली पुलिस हैज मिजरेबली फेल्ड। ये हो ही नहीं सकता, ये जातिवाद या जो जो लफड़ा कर लिया इन्होंने कल वहाँ जाके, नेंगों ने तलवार निकाल ली ITO चौराहे के ऊपर, वहाँ बैरिगेड तोड़ दिए, तो ये हमारी पुलिस सुस्त है, हमारे नेता करप्ट हैं जो ये नहीं कर पा रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी बाकी की पोजीशन है, बाकियों के दिमाग के अंदर ये फतूर पर डालता है कि भैया हमारी जो सरकार है वो निकम्मी है। अगर वो 100,000 किसानों को, मैं कहता हूँ 10,00,000 किसानों को नहीं संभाल पा रही, तो 130 करोड़ को क्या संभालेगा ये सरकार? को अगर आर्मी में दिखानी थी ना अपनी पावर, तो उनको एक महीना पहले किसानों ने बता दिया था कि हम 26 जनवरी को आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार के अंदर दम नहीं था, ये पहले से ही तय था। तो सरकार के अंदर दम नहीं है, अरे इतनी इंडियन आर्मी थी, 10 मरते 100 भाग जाते, तुम चलाते तो सही, कुछ करते तो सही, क्या सरदारों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने में लोग नहीं मरे थे? यहाँ भी मर जाते तो क्या हो जाता? एक इतनी बेइज्जती करवाई तुमने पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि हिंदुस्तान का झंडा उतार दिया गया और सरदारों का झंडा ऊपर चला गया, इसका मतलब तुम डरपोक हो, फुद्दू हो। झंडा फहराया गया किसानों द्वारा और किसानों की रैली में हिंसा हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों ने झंडा फहराया, वो तरह एक तरह से वो दिखाया जा रहा था कि लाल किले पे जो तिरंगा था वो अपनी जगह पे था, ठीक है, और वो शरारत तत्व करने वाले ये कुछ भाजपा के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने ये हरकत की है। तो आपके हिसाब से जो हुआ कल किसानों के साथ हिंसा हुई वो गलत थी? बिल्कुल, देखो ये तो सरासर आपको दिख ही रहा है कि पिछले 55 दिन से किसान बैठा है, आज तक हिंसा नहीं की, ठीक है, ना ही तो उसने कोई देश की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। आज जो हिंसा हो रही है इसमें कुछ गुंडे, कुछ मवाली टाइप के लोग जुड़ के किसान बनकर इनके बीच में जाके दंगा फसाद कर रहे हैं और किसानों को बदनाम किया जा रहा है, और कोई नहीं, किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है और वो जो मांग रहा है बिल्कुल उनकी जायज़ है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और सरकार इतना टाइम क्यों ले रही है, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। जब कोई किसान जिस चीज़ से नफरत कर रहा है, उसको परहेज है, उस टॉनिक को ख़त्म कर देना चाहिए था। तो मेरा मानना यही है कि किसान की बात को मान लेना चाहिए और ये 3 काले कानून है, इनको वापस ले लेना चाहिए। किसानों को इस तरीके से रैली में हिंसा हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो देखो एक साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि पहले भी इस आंदोलन को बदनाम करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही थी जो कि किसानों ने सफल नहीं होने दी, तो उस असफलता को इन्होंने सफल बनाने के लिए 26 जनवरी को, क्योंकि वो ट्रैक्टर रैली निकालना चाह रहे थे, उसकी परमिशन ये देना नहीं चाह रही थी सरकार, जैसे तैसे उन्हें परमिशन दी गई, तो उसमें अराजक तत्वों को बीच में डाला गया। परमिशन दी गई उसके बाद भी हिंसा हुई? बिल्कुल, उसमें अराजक तत्वों को डाला गया है ताकि इस आंदोलन का नाम खराब हो और किसानों को बदनाम किया जाए। किसानों की नहीं सुनी जा रही है, पिछले 60 दिनों से वो बैठे इतनी कड़कड़ाती ठंड में, कितने किसान शहीद हो गए, अपना घर परिवार छोड़ के बैठे, आप उनकी सुनिए, आप उनकी नहीं सुन रहे हो, आप उन्हें परेशान कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है जो देश का रियल किसान है ये उनका काम तो नहीं है, उसमें कुछ जैसे बोल सकते हैं कि सोशल इवल एलिमेंट्स थे जो एंटर करके जिन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि किसान तो जैसे आई बिलोंग टू पंजाब, तो मुझे पता है कि 2-3 मंथ से पंजाब से भी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके बाद फिर 2-3 मंथ उनको यहाँ बैठना पड़ा इन दिल्ली, तो वो ऑल प्रोटेस्ट वाज पीसफुल। झंडा जाके फहराया गया, उसके बारे में? उसमें भी शरारत की गई है, उसमें भी किसानों का कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी किसान नेता वहाँ गया हो या उसने अपने नेतृत्व में वो झंडा फहरवाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को परेशान के साथ साथ बदनाम करने की किसी तरह से किसानों को बदनाम किया जाए और पब्लिक किसानों से नफरत करे। लेकिन पब्लिक समझती है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, बिल्कुल। और इसी लिए किसानों का इसमें कोई भी रोल नहीं है। मैं कल परसों का बात तो नहीं बताऊंगा, मैं किसान परिवार से ही मैं हूं, मैं भी किसान हूं, मैं बिहार के मधुबनी जिला में, हमारा घर पड़ता है बेनीपट्टी प्रखंड और बेनीपट्टी गाँव। 1988 में भूतपुर जगन्नाथ मिश्रा जी का सरकार थे वहाँ, तो 85% के छूट पर बोरिंग दिए, जो कारगर हुआ और उससे लोग फ़ायदा उठाया,
इसके बाद जो अभी तक सरकार जब चुनाव का समय आता है तो अनेक तरह के निकालते हैं वैकेंसी, हम किसानों के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर आता है दह जाता है, मिलता है कुछ नहीं है। बिल्कुल, उसमें आपका नुकसान है। नुकसान है, जब भी नए विधायक आए, नए मंत्री आए, नए मुख्यमंत्री बने, नए सरकार बने, हम किसानों के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस कह कर के ही रह जाते हैं, किसानों को मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर आया दह गया जी, आज तक किसानों को कोई से कोई लाभ नहीं हुआ, और जो भी यहाँ से पास होता है वो रास्ते में ही रह जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। पर जो ये कल रैली में हिंसा हुआ, उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंसा होना चाहिए? नहीं, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है जी। बिल्कुल, ये गलत बात है, जान सबको प्यारा है। बिल्कुल, और भगवान सबको पेट देकर भेजता है जी। तो आपके हिसाब से किसान, कहावत में है कि कमाए नंगौटी वाला और खाए धोती वाला, तो वो हिसाब किताब अभी किसानों के पास में है। नंगौटी पर के खेतों में काम करते हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो आपके हिसाब से किसानों की सुननी जानी चाहिए? हाँ, सुननी जानी चाहिए, उनकी पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कह करके किसानों को भुला लेते हैं, लुभा लेते हैं, लेकिन सुविधा उनको दे नहीं पाते हैं।